तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। हमसे फिलीपींस खरीदना चाह रहा है, मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है, और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जिसे बोले डिफेंस प्रोडक्शन, उन्होंने $5 बिलियन पर ईयर का टारगेट लिया है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, और जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है। इंडिया 48 एयरफोर्स अपना प्लेन बाय कर रही है तेजस, जो उन्होंने इंडिया में मेक किया है, और उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 48,000 करोड़ है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? हमें भी ऐसा काम करना चाहिए जो हम भी ऐसे जदीद चीज़ें लें और तरक्की करें, और अपने मुल्क को हम भी देखना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान भी इस तरह ही काम करे जिस तरह इंडिया कर रहा है। इस हवाले से आई वुड अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ख़ुद अपनी चीज़ बनाई है। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी अदर कंट्रीज़ प्रोडक्ट्स, बट दे आर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, और वो खुद ही अपनी चीज़ खरीद रहे हैं। तो आई अप्रिशिएट देम कि दे आर ओनिंग देम सेल्व्स, वो एंड दे टेक प्राइड इन इट, दे आर प्राउड ऑफ देम सेल्व्स, एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम, और हमें भी अपनी हर चीज़ पर प्राउड होना। राफेल का जो एक उद्यम मचाया हुआ है, इसकी क्या है, कितनी की ये कॉम्पिटेंस हैं जी, हमारी जो इस वक्त इस्तात है और सकत है? देखिए, मैं तो मुकाबला करना भी अपनी तौहीन समझता हूँ, क्योंकि बात यह है कि जब उनके पास अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे सिवाय उद्यम मचाने के। रफेल जो है या रफाल जो है, ये वो तैयारा है जो फोर्थ जनरेशन है, जिसमें इनका Su-30 भी था जो हमने गिराया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आजकल हमारे तेजस फाइटर जेट का दबदबा पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हर कंट्री हमारा तेजस फाइटर जेट लेना चाहता है, और इस बात से पाकिस्तान बहुत ज्यादा जलता है, क्योंकि उनका जंग फाइटर जेट कोई भी नहीं लेना चाहता। उनके जंग फाइटर जेट में वो कैपेबिलिटीज नहीं जो तेजस में है, तब ही पूरी दुनिया हमारा तेजस लेना चाहती है। आज हम देखेंगे तेजस का पावर देखकर पाकिस्तानी मीडिया कैसे रो रहा है। बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है दोस्तों, आखिर तक देखिएगा। जय हिंद। तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। हमसे फिलीपींस खरीदना चाह रहा है, मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है, और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जिसे बोले डिफेंस प्रोडक्शन, उन्होंने $5 बिलियन पर ईयर का टारगेट लिया है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए बाय 2025। मतलब 3 साल बाद $5 बिलियन कमा रहे होंगे हम सिर्फ अपने डिफेंस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करके। तेजस किस तरीके का प्लेन है और तेजस कैसा प्लेन है, उसी पे बात करने के लिए, यानी कि तेजस को क्यों पूरी दुनिया बाकी प्लेन्स के ऊपर रख रही है। इस हवाले से आई वुड अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ख़ुद अपनी चीज़ बनाई है। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी अदर कंट्रीज़ प्रोडक्ट्स, बट दे आर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, और वो खुद ही अपनी चीज़ खरीद रहे हैं। तो आई अप्रिशिएट देम कि दे आर ओनिंग देम सेल्व्स, वो एंड दे टेक प्राइड इन इट, दे आर प्राउड ऑफ देम सेल्व्स, एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम, और हमें भी अपनी हर चीज़ पर प्राउड होना चाहिए। हम खुद अपनी चीज़ें बनाएं द वे दे आर डूइंग, और इस चीज़ से सीखें, और इट शोज़ कि हाउ मच यू आर प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री। बहुत अच्छी बात है ये, तो हमें भी इस चीज़ में एफर्ट करनी चाहिए, जो कुछ भी के जो प्रोडक्ट्स हम इंडिया की यूज़ कर रहे हैं वो हम खुद अपनी बनाए, और अपनी बना के हम लोग वो तो परचेज कर रहे हैं ना, देखें खुद ही बना के खुद ही परचेज कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग भी अपने मुल्क के लिए ऐसा कुछ करें। ये राफेल का जो एक उद्यम मचाया हुआ है, इसकी क्या है, कितनी की ये कॉम्पिटेंस हैं जी, हमारी जो इस वक्त इस्तात है और सकत है? देखिए, मैं तो मुकाबला करना भी अपनी तौहीन समझता हूँ, क्योंकि बात यह है कि जब उनके पास अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे सिवाय उद्यम मचाने के। रफेल जो है या रफाल जो है, ये वो तैयारा है जो फोर्थ जनरेशन है, जिसमें इनका Su-30 भी था जो हमने गिराया था। तो कोई शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, ये कोई फिफ्थ जनरेशन तो है नहीं। तो किस तरह ये कहेंगे कि जी रफाल जो है
वो हम मुकाबला करने के लिए काफी समझते हैं। किस 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 चीज का मुकाबला आप करना चाहते हैं? और इसको आप ले आए, रफाल भी ले आए, मैं तो बहुत पहले से कह चुका हूँ जी कि रफाल आप ले आए, उसको पिच करें GF-17 के खिलाफ, वही होगा जो हमने Su-30 के साथ किया था। तो पब्लिक को खुश करने के लिए कि रफाल होता तो नतीजा और होता, अब आप ले आए रफाल, ये तो जहाज है, साल हर साल लगते हैं इनको सेटल करने के लिए, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं जिसको आप गेम चेंजर कह रहे हैं, और गेम चेंजर तो ये है ही नहीं, ये वही चीज है जो उनके पास पहले है। तो जो हमने Su-30 का हशर किया वो सारी दुनिया ने देख लिया, अब उनके पास सिवाय अपने उन लोगों को जो अनपढ़ हैं और बताने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि एक नई उम्मीद लगा दें तो कोई बात नहीं कि अगला फरवरी और उसके बाद फिर और कई फरवरी आने हैं, वो देखते जाएं आप क्या होगा। अच्छा, पहले से कह चुका जी साहब, ये जब हमने 27 फरवरी किया था, अभी नंदन को पकड़ लिया, दो तैयारे उनके मार गिराए, एक हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद ही मार दिया, ये उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास रफाल होता तो पता नहीं क्या हो जाता, तो ये इतनी फिर खुशियां किस लिए, शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं? कंपेयर करेंगे आप रफाल से और हमारा जो GF-17 है? देखें जी, मैं तो आपको टोटल कंपैरिजन बजाए इसके कि मैं टेक्निकल चीजों में जाऊं, मैं तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं जी। फोर्थ जनरेशन जहाज हैं GF-17 को, बल्कि दुनिया 4.5 जनरेशन कहती है, यानी फोर्थ जनरेशन में भी ये ऊपर वाली ब्रैकेट में इसको माना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, GF-17 जो है ये पूरी दुनिया का कोई भी एयर शो ले लें उसमें इसको बुलाया जाता है। तकरीबन जो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो तकरीबन 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसके अलावा भी कुछ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी हैं, ब्रह्मोस जो हैं, और इसके अलावा इनका एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये वाकई ही चाहते हैं कि बेचा जाए। और इस हवाले से इंडिया ये प्लान कर रहा है कि जो इंडियन डिफेंस फुटप्रिंट्स हैं वो, या जो चीज़ें बेची जाएं वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स, मॉरिशियस, वियतनाम, फिलिपाइंस, इंडोनेशिया और बहुत सारे और छोटे छोटे ममालिक हैं जिनमें ये चीज़ें जो हैं वो दी जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक एनालिसिस भी किया और ये समझने की कोशिश भी की कि क्या वाकई ही भारत जो है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, और स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए, लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा,